अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। AH रेफ्रिजरेशन इस्लामाबाद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो ये है कि LED रॉड जो है उसको कैसे हैंग किया जाता है, और उसके कनेक्शन भी इसी वीडियो के एंड तक हम करेंगे और ऑन करके दिखाएंगे। तो व्यूवर, सबसे पहले हमने ये आप देख सकते हैं एक हुक लगा दी है। अब दूसरी साइड पे दूसरा हुक जो है वो लगा देते हैं। तो पैमाइश आपने लाजमी कर लेनी है ताकि टेढ़ा ना हो अपनी जगह से, वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल AH रेफ्रिजरेशन इस्लामाबाद सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके, और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें ताकि बआसानी आप तक वीडियो पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आ गई है। तो व्यूवर्स, मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ का पता चल सके। तो हमने हुक लगा दिए हैं और इसके अंदर ये रॉड हम हैंग कर रहे हैं। इस रॉड की प्राइस की अगर बात की जाए तो ये रॉड की प्राइस जो है वो तकरीबन यहाँ इस्लामाबाद में जो है वो 450 रुपये का मिल जाता है। तो अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं, इसको तार लगा लेते हैं। इसके साथ किसी चौक या किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, यह डायरेक्ट 220 पे चल जाता है। तो इसके साथ हम कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे। तो तार को जो है वो हम छील के इसके आगे कनेक्टर लगा लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, आपको अगर वो इस वीडियो के अंदर किसी भी पॉइंट की किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बआसानी मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो ये तारें आप देख सकते हैं, ये 4076 की तार है। तो इसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे कनेक्टर देख सकते हैं, इसके साथ हम इसको तार को कनेक्ट कर लेते हैं और दूसरी तरफ रॉड को कनेक्ट कर लेंगे। जी तो व्यूवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टर लग चुके हैं। अब इसको जो है वो रॉड के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करके यहाँ पे क्लिपिंग करके और पावर प्लग के अंदर, यहाँ पे हमारे पास नज़दीकी पॉइंट जो था वो पावर प्लग था AC वाला, तो हम इसमें से ही इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा तार जो है उसको हम काट के इसके आगे स्विच लगा देते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक स्विच लग जाता है।
इसको मैं थोड़ी वीडियो को जो है फास्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम मज़ीद ज़ाया ना हो। जी तो व्यूवर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्विच हमारा लग चुका है, तो इसको ऑन कर लेते हैं। तो जी व्यूवर्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये रॉड ऑन हो गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।